हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्ज़ाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि आप आफ्टर 12 किस तरह से एयर होस्टेस के कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, आप आफ्टर 12 किस तरह से एयर होस्टेस बन सकते हैं। तो आज हम इस स्टूडियो में देखेंगे कि एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर आप एक बार एयर होस्टेस बन जाते तो उसकी सैलरी क्या है, साथ ही साथ एयर होस्टेस बनने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटीज़ आपको जो है सेटिस्फाई करनी होगी, उसी के साथ उसमें आपके लिए आपके अंदर कौन सी स्किल्स होना ज़रूरी है, और इंडिया की कौन सी बेस्ट कंपनी से जो आप लोगों को रिक्रूट करेगी जब आप एयर होस्टेस बन जाएंगे, उसी के साथ साथ एयर होस्टेस बनने के लिए इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सी कॉलेजेस है, उनकी फ़ीस कितनी है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। और अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और अगर आपको एयर होस्टेस बनना ही है तो इस वीडियो देखो, देखने के बाद आपके जो एयर होस्टेस बनने के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपको जो डाउट्स है, हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन से कॉलेज को सेलेक्ट करना है, कौन से कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं एयर होस्टेस में, किस कोर्स को आप सेलेक्ट करना है, कितने ईयर्स का कोर्स है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जानना कि आप आफ्टर 12 किस तरह से एयर होस्टेस बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर जैसे ही एयर होस्टेस का कोई भी नया कोर्स आता है या कोई भी न्यूज़ आती है उसकी रिगार्डिंग, या कोई भी उसकी जो है बड़ी रिक्रूटमेंट रिलीज होती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं एयर होस्टेस के बारे में जानना। लाइक आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे आप किस तरह से एयर होस्टेस बन सकते हैं आफ्टर 12, उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी कौन सी स्किल्स आपको चाहिए, क्या क्या काम करना होता है एयर होस्टेस को, हर एक चीज़ फुल डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एयर होस्टेस बनना यंग गर्ल्स के लिए एक जो है सपनों की तरह रहता है, एक ड्रीम रहता है हर एक यंग गर्ल का कि वो जो एयर होस्टेस बन पाए, और आपको जो है अपने ड्रीम को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, अपना जो है करियर ऑप्शन बनाना चाहिए, ताकि अगर आप अपने ड्रीम को अपना प्रोफेशन चूज़ करेंगे, एज अ प्रोफेशन अपना ड्रीम आप चूज़ करेंगे, तो आपको अपने काम करने में भी मज़ा आएगा और अपना काम आप और अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर होस्टेस जो है सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी एयर होस्टेस बन सकते हैं, लड़कों को भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि वो भी एयर होस्टेस का जो है जॉब कर सकते हैं। तो एयर होस्टेस सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी बनते हैं गाइस, बॉयज़ आप भी ध्यान रखें, अगर आप भी बनना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, अगर आप भी इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप भी जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो एयर होस्टेस रहती है उन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, उन्हें सिर्फ एयर होस्टेस के नाम से नहीं बुलाया जाता है, उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट्स के नाम से भी कहा बुलाया जाता है, उन्हें कैबिन क्रू भी बुलाया जाता है, कैबिन स्टीवर्ड्स भी बुलाया जाता है, और कैबिन अटेंडेंट्स भी उन्हें बुलाया जाता है। तो आइए अब हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं एयर होस्टेस के बारे में, लाइक उनकी थोड़ी हिस्ट्री टाइप जान लेते हैं कि जो सबसे फर्स्ट फ्लाइट अटेंडेंट थी वो 1912 में जो अटेंड की गई थी, और वो फीमेल थी, और वो कौन थे, वो थे जर्मन से एनरिच क्यूबिस, ये जर्मन वुमेन थी, जर्मन फीमेल थी जो वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लाइट अटेंडेंट जो एज अ रिक्रूट करी गई थी 1912 में। उसके बाद जो है यूनाइटेड एयरलाइंस ने 1930 में सेकेंड एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया, वो थी एलन क्रच, और फिर इसी तरह से जो आगे और प्रोसेस बढ़ते गए, और आज आप देख रहे हैं कि जो फ्लाइट अटेंडेंस यानी कि उसका जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो कितना आगे तक बढ़ चुका है। अब उसी के साथ साथ ये एक जॉब ऐसी है जो दिखने में आप लोगों को बहुत ही आसान लगती है, सबको लगता है कि बहुत ही आसान जॉब है, लेकिन ये जॉब उतनी ही टफ है जितनी लोगों को आसान दिखाई देती है। ये जॉब में काम के साथ साथ, वर्क के साथ साथ आपके जो है मैटर है, आपका जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो लुक भी है, आपका लुक भी इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। साथ ही साथ एयर होस्टेस को जो है टैटूज या पायरिंग्स जो है वो अलाउड नहीं है, आपके विजिबल नहीं रहनी चाहिए पायरिंग्स और टैटूज जो है वो, और उसी के साथ साथ जो एयर होस्टेस रहते हैं उन्हें बहुत ही अलग अलग वैरायटी, अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग कल्चर से जो लोग आते हैं उनके साथ उन्हें काम करना पड़ता है। तो ये जॉब जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, ये जॉब में बहुत ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि एयर होस्टेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहती है, कौन से काम जो है एक एयर होस्टेस को करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं, सबसे पहले जो एयर होस्टेस का वो काम है वह उनको जो है प्री फ्लाइट जो है अटेंड करनी रहती है, उसके बाद जो है जो भी पैसेंजर क्वेश्चंस पूछते हैं फ्लाइट के जब उन्हें उनके क्वेश्चंस का जो है पेशेंटली आंसर देना रहता है, फिर उसी के साथ तो उन्हें जो है पैसेंजर्स जो भी फ्लाइट में है उनको जो है मील्स जो है प्रोवाइड करना नहीं रहती, उन्हें जो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना रहता है पैसेंजर्स को, उन्हें जो है फ्लाइट की जो है रिपोर्ट तैयार करनी रहती है, उसी के साथ अगर पैसेंजर्स में से किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल जो है प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, उन्हें जो मेडिकल प्रोवाइड कराना रहता है, और उसी के साथ साथ हर एक पैसेंजर को जो है उन्हें फ्लाइट में जो है इंस्ट्रक्ट करना रहता है सेफ्टी प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि
के कोर्सेज में आप लोगों को जो जो सिलेबस इंक्लूड रहेगा, मीन्स जो जो टॉपिक्स आपको सिखाई जाएगी वो रहेगी मैनेजमेंट स्किल के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको मैनेज करना है हर एक चीज़। इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में आपको सिखाया जाएगा, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के बारे में आपको सिखाया जाएगा, उसी के साथ साथ नेविगेशन स्किल बेसिक फंडामेंटल नॉलेज दी जाएगी एयरक्राफ्ट के बारे में, और आपको कैटरिंग के जो है ट्रेनिंग भी आपको उसमें दी जाएगी। अब देखेंगे आपके कौन से कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड रहते हैं, तो आपको जो है इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे मिलेंगे जो आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम जो है प्रोवाइड कराते हैं, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट डिग्री प्रोग्राम्स भी आपको जो है प्रोवाइड कराएगी इन द फील्ड ऑफ एविएशन। उसके द्वारा आपको जो है एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टूवर्ड बनने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि कौन से कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं आफ्टर ट्वेल्थ एयर होस्टेस बनने के लिए। तो यहाँ पे जो है आपको ये मैं स्क्रीन यहाँ पे लेकर के थोड़ी देर रुक भी, आप चाहे तो स्टॉप करके भी पॉज करके भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे वो कोर्सेज है जिसमें से आप कोई भी एक कोर्स जो अपने लिए चूज कर सकते हैं एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। लाइक मैं आपको एक एक करके सबका नाम पढ़ के बता देता हूँ, एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस, हॉस्पिटलिटी ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस, इंटरनेशनल एयरलाइन एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन फेयर टिकटिंग वर्जिन अटलांटिक GTMC कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन एविएशन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, प्राइवेट पायलट ट्रेनिंग, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म, एयर ग्राउंड मैनेजमेंट, नाइट रेटिंग, एविएशन मैनेजमेंट, एयर होस्टेस फ्लाइट परसर, एविएशन हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, एयर आरटी मीन्स रेडियो फ्लाइट ऑफिसर, इंटरनेशनल एयर कार्गो। सो गाइस आप चाहे तो पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं, ये सारे के सारे वो कोर्सेज है जो आपको अवेलेबल रहते हैं। आपको जो अपने ट्वेल्थ बाद इसमें से कोई भी एक कोर्स जो है चूज़ करना रहेगा एज अपना करियर ऑप्शन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने एक बार पढ़ के भी बता दिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कोर्सेज के बारे में, मीन्स डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज, ये दोनों के बारे में आप जानेंगे। मीन्स ट्वेल्थ के बाद डिग्री कोर्सेज में आपको कौन से स्ट्रीम में जाना होगा, यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज की जो लिस्ट दे दी गई है, और नीचे आपको जो है डिग्री कोर्सेज की लिस्ट दे दी गई है। तो आइए पहले हम जो ट्वेल्थ के बाद जो डिग्री कोर्सेज के जो है जिनका जो ड्यूरेशन है वो एक साल का है, यानी कि अगर ये ट्वेल्थ के बाद आप ये डिप्लोमा कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं तो ये जितने भी कोर्सेज है वो एक साल के ड्यूरेशन के कोर्सेज है किसी भी स्ट्रीम में। तो आइए अब हम देख लेते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, लाइक एविएशन हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल प्रोफेशन कैबिन क्रू सर्विस, डिप्लोमा इन प्रोफेशन ग्राउंड स्टाफ सर्विस, डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड कस्टमर केयर, डिप्लोमा इन एयरलाइंस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयर कार्गो प्रैक्टिसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, डिप्लोमा इन एयर ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग विथ ऑन जॉब ट्रेनिंग, एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ग्राउंड हैंडलिंग एंड कार्गो मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस। सो गाइस ये जो थे आपके जो है डिप्लोमा के कोर्सेज से पूरे के पूरे, आप चाहे तो स्क्रीन को स्टॉप करके इसे देख सकते हैं, मैं इसे जूम भी कर देता हूँ थोड़ा और ताकि आपको आसानी से जो आपकी स्क्रीन पे पूरी तरह से दिख पाए। तो ये जो है ये डिप्लोमा के कोर्सेज से पूरे के पूरे, आप इसमें से कोई भी कोर्स चूज करना चाहे डिप्लोमा करने के लिए तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री कोर्सेज के लिए। सो गाइस ये जो डिग्री कोर्सेज है ये कोर्सेज आपको जो है 3 साल के कोर्सेज, आपको 3 साल लगते हैं ये डिग्री कोर्सेज पूरे करने के लिए ट्वेल्थ के बाद, अगर चाहे किसी भी स्ट्रीम में आप ये कोर्स करें। लाइक आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज, BBA एविएशन, MBA एविएशन, उसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटलिटी ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस। तो गाइस ये जो थे ये डिग्री कोर्सेज थे, इसे भी आप पॉज करके आसानी से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप ताकि बाद में भी आप जो इसे रेफर कर सकें। सो गाइस हमने अब तक हमने ये देख लिया कि 12th के बाद कौन से कितने कोर्सेज आपको अवेलेबल रहते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, डिग्री कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, और दोनों ही कोर्स कितने कितने साल के जो कितने पीरियड के कोर्सेज है ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कौन से टॉप कॉलेजेस जो है इंडिया में हमें जो ऑफर करते हैं एयर होस्टेस के कोर्सेज, यानी कि कौन से टॉप कॉलेजेज जहाँ से आप अपना एयर होस्टेस बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो टॉप पे कॉलेज है वो राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स जयपुर में जो इस्टेब्लिश है, एयर होस्टेस अकेडमी जो दिल्ली में है, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग ये भी दिल्ली में है, एयर होस्टेस अकेडमी पुणे में है, फिर उसी के साथ नेक्स्ट आप देख सकते हैं एवेलॉन अकेडमी देहरादून, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग मुंबई, एंड लास्ट जो है यूनिवर्सल एयर होस्टेस एकेडमी चेन्नई। सो गाइस ये इस कॉलेजेस की लिस्ट थी जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ से आपको जो है अच्छी प्लेसमेंट भी मिल सकती है एयर होस्टेस में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि अगर आप जो है एयर होस्टेस बनना चाहते हैं आफ्टर ट्वेल्थ अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं एयर होस्टेस,
तो उसके लिए आपके पास जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करनी होगी वो ये सब यहाँ पे दे दी गई है। लाइक सबसे पहले जो एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है, तो आपकी जो उम्र है, आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए और 26 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तो ही आप जो एयर हॉस्टेस बन सकते हैं और आप एयर हॉस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 17 ईयर्स से कम है या 26 से ज़्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात की जाएगी नेक्स्ट हाइट के बारे में, तो यहाँ पे मिनिमम हाइट जो बता दी, कम से कम आपकी हाइट जो है 5 फीट और 2 इंच होनी चाहिए। अगर आप 5 फीट 2 इंच से कम है तो आपकी जो है ये एलिजिबिलिटी जो हाइट की वो आप जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहे। उसी के साथ इतनी हाइट के साथ आपके पास जो है बैलेंस वेट भी रहना चाहिए, आपका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब मैरिज की स्टेटस की बात की जाए तो आप जो है अनमैरिड रहनी चाहिए, आपकी जो है शादी नहीं हुई रहनी चाहिए। पर ये हर एक एयरलाइंस में जो कंडीशन अप्लाई नहीं होती, कोई कोई एयरलाइंस ऐसे है जिसमें अगर आपकी शादी हुई है, अगर आप मैरिज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई साइट की बात की जाए तो आपके आई साइट नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि 6x6 जो अनकरेक्टेड आई साइट रहती है वो रहनी चाहिए। अनकरेक्टेड इन ईच आई, दोनों ही आँख में जो अनकरेक्टेड रहना चाहिए, 6x6 का आपका आई साइट जो कि नॉर्मल है वही रहना चाहिए। लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश और दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस है वो सब लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से फ्लुएंटली आनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कॉम्प्लेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्लियर कॉम्प्लेक्शन रहना चाहिए आपका, और दूसरी जो कंडीशन है यहाँ पे वो दे दी गई कि आप मेडिकली फिट रहनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपके पास जो है इंडियन पासपोर्ट रहना चाहिए, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल है। सो गाइस आप यहाँ पे भी पॉज करके आसानी से देख सकते हैं अपनी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एयर हॉस्टेस बनना चाहते हैं तो ये सारी की सारी जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इस जो वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप चाहते हैं तो ये हर एक चीज़ आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं पढ़ के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी स्किल्स रहनी चाहिए एक बंदे में या एक पर्सन में जिसे एयर हॉस्टेस ज्वाइन करना हो, तो ये सारी की सारी ये सब स्किल्स है जो आप में रहनी चाहिए अगर आपको एयर हॉस्टेस बनना है। लाइक सबसे पहले आपको टीम वर्क करना आना चाहिए, आप में पेशेंस रहना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है पर्सनालिटी में। उसी के साथ साथ आप जो है अनयूजुअल आवर्स में वर्क करने के लिए फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, और आपको जो सॉल्यूशन फाइंड करने में बहुत ही अच्छे रहने चाहिए, मीन्स क्विक सॉल्यूशन फाइंड करने आपको आना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहनी चाहिए आप, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी और अलग अलग जो है बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे फ्लाइट में, उनके साथ आपको जो है अच्छी तरह से और बहुत ही फ्रेंडली आपको जो है पेश आना होगा। और आपकी जो वॉइस है और जो स्पीच आप जो क्लियरली देना चाहिए, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अहम है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसमें आपका लुक बहुत ही बड़ा मैटर करता है इस फील्ड में, तो आपका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए इसी के साथ साथ। फिर आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीम वर्क की स्किल्स रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ आप जो इंग्लिश हिंदी और दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस अगर आपको आती रहेगी तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा इस जॉब में। अब किस तरह से आप जो है एयर हॉस्टेस बन सकते हैं उसका प्रोसेस यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में या मास मीडिया के द्वारा आप लोग को बहुत सारी एडवर्टाइज दिखाई जाती है कि अगर आप लोगों का एयर हॉस्टेस बनना है तो जो आप एयर हॉस्टेस बन सकते हैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में, तो उस तरह की जैसे ही आपको जो है एडवर्टाइजमेंट दिखेगी तो आप जाके सिंपली उस एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो स्क्रीनिंग मेथड के द्वारा आपकी हाइट वेट और मेजरमेंट मापा जाएगा। उसके बाद आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा उस एयरलाइन के द्वारा, और अगर आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद आपका एक मेन इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी की कितनी अच्छी तरह से आप अपना लैंग्वेज बोल लेते हो, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, आपकी वॉइस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन का जो स्किल रहेगा, कम्युनिकेशन टैलेंट, और आपका जो है वो सब कौन से सिचुएशन में आप कौन सा जो है स्टेप लेंगे, ये सब चीज़ें आपकी देखी जाएगी। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद तो आपको 6 महीने के लिए ट्रेन किया जाएगा और आप एयर हॉस्टेस बन चुके होंगे। जी हाँ गाइस, ये इतना सिंपल स्टेप था, पर ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए आपके पास जो है ये स्किल्स होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, और ऊपर डिग्री के कोर्सेज आपने किए हुए रहने चाहिए। सो गाइस अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती है आपको अगर आप एयर हॉस्टेस बनते हैं आफ्टर 12। तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही सारी है, लाइक अगर आप जो एयर हॉस्टेस बनते हैं तो आपको जो है बहुत ही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से, सिनेमा सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिल सकता है। उसी के साथ साथ बिजनेस टाइकून के साथ मिलने का मौका मिल सकता है, और आपको 5-स्टार होटल में रहने मिलेगा अगर आप कहीं भी जो है ट्रैवल करते 5-स्टार होटल्स में रहने मिलेगा। आपको बड़े बड़े जो मॉल से शॉपिंग करने मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको जो है पूरे वर्ल्ड में वेरियस कल्चर देखने मिलेंगे। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ वो है कि एक जो फ्लाइट अटेंडेंस फ्लाइट क्रू रहती है उसे 72 आवर्स से ज़्यादा एक मंथ में जो है ट्रैवल नहीं करना रहता, यानी कि वर्कलोड भी बहुत ही ज़्यादा कम।
वजन भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 72 आवर्स ट्रैवल करना रहता है। मीन्स एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ 72 आवर्स काम करना है आपको एक महीने में। और अगर आप जो है इसमें आपको जो बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिल रही है उसी के साथ साथ, और अगर आप इसमें काम करते हैं तो बाद में एक एयर होस्टेस को लेकर प्रमोट भी किया जाता है सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट में और उसके बाद जो है हेड अटेंडेंट में। अब बात करेंगे हम एयर होस्टेस की सैलरी के बारे में, यानी कि अगर आप एयर होस्टेस बन जाते तो उसके बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो आपकी जो सैलरी है वो 16,000 से लेकर 75,000, 16,000 से 75,000 तक रह सकती है पर मंथ। अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी 16,000 पर मंथ। और उसी तरह आप अगर इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ काम करते हैं लाइक इंडियन एयरलाइंस हो गई, तो आपके पास जो सैलरी होगी वो हो सकती है 75,000 पर मंथ तक। और उसी के साथ साथ कोई कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस ऐसी भी है जो 1,00,000 से 2,00,000 पर मंथ भी आपको सैलरी प्रोवाइड कराती है, जिनका जो पोस्ट रहता है वो सीनियर या एयर होस्टेस का रहता है, उनको जो है 1,00,000 से 2,00,000 सैलरी भी दी जाती है। ये जो सैलरी रहती है मोस्ट प्रोबेबली जो एयरलाइंस के रेपुटेशन पर डिपेंड करती है, जितना अच्छा एयरलाइंस रहता है उतनी हाई आपका सैलरी पैकेज रहता है। अब आपको सैलरी पैकेज में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, लाइक आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है, इसी के साथ आपको रिटायरमेंट प्लान मिल जाता है, और आपको फ्लाइट और ट्रैवलिंग में जो है डिस्काउंट भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। अब हम देखेंगे कौन से रिक्रूटर्स हैं, मीन्स आपको जो है आपने अगर जो कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद कौन से जो कंपनी से जो आपको जॉब दे सकती है। तो यहाँ पे ये सारी कंपनीज का नाम दे देंगे, आप चाहे तो इधर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डायरेक्टली आप जो वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। पहला जो है सबसे पहले इंडियन एयरलाइंस, गो एयर, ब्रिटिश एयरवेज, कंटास एयरवेज, डेल्टा एयरवेज, गल्फ एयर, सिंगापुर एयरलाइन, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एयर इंडिया, अलायंस एयर, सहारा एयर, जेट एयरवे, यूनाइटेड एयर, लुफ्थांसा, कैथे पैसिफिक। तो गाइस ये सारी की सारी वो कंपनीज थी, वो सारे रिक्रूटर्स थे जो आपको एयर होस्टेस बनने के बाद आपको जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। अब जैसे आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो अगर आप एयर होस्टेस की पढ़ाई शुरू कर दिए या अगर एयर होस्टेस के गाइडेंस के रिगार्डिंग आपको बुक चाहिए तो आप सिंपली जो है इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन पे चलेंगे, वहाँ पे आपको जो है बेस्ट आपके करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग जो भी बुक है वो सारी की सारी आपको बुक है वहाँ पे मिल जाएगी। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को जो है एयर होस्टेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा, आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से एयर होस्टेस बनना है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपने होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उसकी सैलरी क्या है, कौन से कोर्सेज आप जो अप्लाई करे हुए रहनी चाहिए, या डिप्लोमा कोर्सेज कौन से है, डिग्री कोर्सेज कौन से है, उनका फ्लाइट इंजीनियर्स का काम क्या रहता है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में बता दी गई है। और अगर फिर भी आपको एयर होस्टेस बनने में कोई परेशानी होती है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको जो है नॉलेज मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो एयर होस्टेस किस तरह से बनना है उसके रिगार्डिंग, या आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।